कि मैं बीजेपी के पास जाऊंगा, बीजेपी ओम प्रकाश जी रुके, बीजेपी के पास जाऊंगा, तो अब क्या पूरा परिवार बीजेपी में आ रहा है जॉन जी? पिता और भाई वो भी आ रहे हैं? हम तो है ही, आज नहीं तो कल आएंगे ही, क्योंकि एक साथ रहते हैं, खाते पीते हैं, कल का दिन में आएंगे ही। बीजेपी छोड़ के आप अभी बोल रहे हैं केवल परिवार है उनके साथ, और से परिवार उनके पास जुड़े हुए सारा आने वाले हैं। अभी देखिए 8 तारीख और 12 तारीख और कितने लोग आएंगे, सबको वेलकम है। देश का सेवा करने के लिए, राष्ट्र का सेवा करने के लिए सभी आ रहे हैं, हम लोग स्वागत जना रहे हैं, और आने वाला दिन और उनका और चेला चपट सब आ रहे हैं। हमारे क्षेत्र के भी बहुत सारे आ रहे हैं, सब जगह जो है। तो लेकिन ये तो कांग्रेस के नेता आपके पास जा रहे हैं और कार्यकर्ता उनके पास जा रहे हैं, ऐसा है क्या? कार्यकर्ता पूरा कार्यकर्ता के साथ आ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, हजारों हजारों लोग लेके आ रहे हैं। चलिए देखते हैं, हजारों हजार लोग जो आ रहे हैं क्या वो फाइटर दीदी का साथ कर पाएंगे? ये सवाल इसलिए क्योंकि हम आपको ग्राफिक्स के जरिए कुछ दिखाना चाहते हैं। आप फाइटर दीदी लड़ पाएगी बीजेपी? दीदी की इमेज फाइटर वाली है, जिस तरह से नंदीग्राम और सिंगूर के आंदोलन से वो निकल कर आई, उन्होंने बताया कि मां माटी मानुष के नारे के साथ कैसे वो जुड़ी हुई है। तो सवाल ये है कि क्या बीजेपी के सामने मुश्किल अभी बड़ी है? बंगाल में जीत किसकी होगी अभी कहना मुश्किल है। बीजेपी ने 200 सीटों का टारगेट रखा है, लेकिन क्या बीजेपी के नेता अंदर खाने इस बात को मानेंगे कि 200 सीटें जितना उनके लिए आसान है? अभी बीजेपी जिस रफ्तार से आगे बढ़ रही है, टीएमसी के बीच सीधी टक्कर नजर आ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। बीजेपी ने पिछले कुछ सालों में कांग्रेस और सीपीएम को रिप्लेस करते हुए मुख्य विपक्षी पार्टी का तमगा तो हासिल कर लिया है, 2019 के लोकसभा चुनाव में 40% वोट भी हासिल कर लिए हैं। लेकिन अब जिस तरह से जेपी नड्डा, अमित शाह ये सभी शिद्दत से बंगाल चुनाव में कूदे हैं, ये क्या बताता है कि बीजेपी ने पूरा ठान लिया है कि किसी भी कीमत पर उनको अब बंगाल में भगवा फहराना है? शुभेंदु और दूसरे नेताओं को बीच टीएमसी से जिस तरह से वो लेकर आए, क्या बीजेपी ने ठान लिया है कि टीएमसी को अगर हराना है तो उनके लोगों को, उनके बड़े आधार वाले नेताओं को साथ लाना पड़ेगा? क्योंकि बीजेपी के पास खुद कोई इतना बड़ा चेहरा नहीं है जो ममता बनर्जी की काट हो, कोई ऐसा चेहरा नहीं। देखिए टीएमसी जब जाती है लोगों के बीच तो वहां लोगों को पता है कि उनका नेता कौन होगा, उनको पता है कि सीएम कौन बनेगा। लेकिन बीजेपी ने जिस तरह से अभी पीएम मोदी की इमेज आगे की है, अमित शाह की इमेज आगे की है, टीएमसी इसी बात को अब उठा रही है कि बीजेपी के पास कौन सा लोकल चेहरा है, कौन सा वो बंगाल का चेहरा है जो बीजेपी अगर जीतेगी तो सीएम बनेगा। क्या ये सवाल बीजेपी को आने वाले दिनों में परेशान कर सकता है? क्या पहली बार बीजेपी के हाथ में बागडोर आएगी बंगाल में? और 2019 का जो वोट परसेंटेज है, क्या वो विधानसभा में दिखेगा? क्या लोकसभा में, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर वोट पड़ रहा था, विधानसभा में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे में वोट पड़ेगा? या तीसरी बार ममता बनर्जी सत्ता संभालेंगी? दो बार से वो सीएम है पश्चिम बंगाल की, और तीसरी बार क्या पश्चिम बंगाल की जनता उनको देगी? एक बात तो है, बंगाल में बीजेपी ने अपनी चुनावी मुहिम को बहुत तेज कर दिया है, बहुत धार लगा दी है, बहुत एग्रेसिव वो वहां पर काम कर रहे हैं, और जिस तरह से लगातार बीजेपी के बड़े नेता वहां जा रहे हैं, अभी 9 जनवरी को जेपी नड्डा फिर से जा रहे हैं वहां पर, अभी याद होगा उनके काफिले पर हमला हुआ था, उसको लेकर काफी हंगामा हुआ था, वो हम बात भी कर रहे हैं। क्या बीजेपी की ओर झुकाव अब बंगाल में लोगों का बढ़ना शुरू हो गया है? एक पार्टी जो वहां पर कहीं थी नहीं, लेकिन अब धीरे धीरे जिस तरह से पिछले कुछ 6-7 सालों में उसने अपने आप को वहां बहुत मजबूती से खड़ा किया है, वो और क्या ममता बनर्जी के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर हो सकता है? देखिए 10 सालों की सरकार है, 10 साल कम नहीं होते एंटी इनकम्बेंसी डेवलप करने के लिए। सच ये भी है कि चुनाव अगर बीजेपी जीतती है तो ये बहुत बड़ा करिश्मा होगा, लेकिन इस करिश्मे को करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी ममता के विरुद्ध, साथ में बीजेपी के खिलाफ। जिस तरह से बंगाल यहाँ पर दिख रहा है कि ममता के विरुद्ध होगा या बीजेपी के खिलाफ होगा, ये देखना होगा। ऐसे वोटर्स जो कांग्रेस और लेफ्ट गठबंधन के पास जाएंगे, जो बीजेपी को पसंद नहीं करते, जो टीएमसी को पसंद नहीं करते, और जानकार ये कह रहे हैं कि बीजेपी को नुकसान हो सकता है कांग्रेस और लेफ्ट के वोट गठबंधन का, क्योंकि वो सीपीएम का वोटर था जो बीजेपी के पास आया था, टीएमसी का वोटर इंटैक्ट है, और अगर वो वोटर फिर से सीपीएम और कांग्रेस गठबंधन के पास जाएगा तो बीजेपी को इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि भले ही 2019 के चुनाव में टीएमसी की सीटें घटकर 22 हुई हो, लेकिन वोट परसेंटेज को उसका 4-5% ही घटा था। और ये असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री के बाद इंटरेस्टिंग हो जाएगा देखना, असदुद्दीन ओवैसी जब एंटर करेंगे तो क्या टीएमसी का जो वोटर है, मुस्लिम वोटर है, क्या उसमें वो सेंध लगा पाएंगे? जो बिहार से सटे इलाके हैं बंगाल के, वहां पर बिहार चुनाव में जब इलेक्शन हुआ अभी, तो बिहार चुनाव में बंगाल से सटे इलाकों में उनका जादू दिखा, तो क्या बंगाल में भी वो जादू दिखेगा वहां पर?